नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में बढ़ते क्राइम को देखते हुए नीतीश कुमार अब काफी सक्रिय हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं और उन्होंने इसके लिए अब तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। आज समीक्षा बैठक चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार मौजूद हैं इस बैठक में और तमाम पदाधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो सब वहां पर मौजूद हैं। तो बातचीत चल रही है आखिर बिहार में जो बढ़ता क्राइम जो बढ़ रहा है, लगातार कई तरह के मामले सामने आए हैं जिसके बाद लगातार विपक्ष भी सरकार को निशाने पर ले रहा है। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से हत्या की खबरें बहुत ही ज़्यादा आ रही है, ऐसे में अब नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन सभी घटनाओं पर रोक लगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपको याद होगा दो दिन पहले राबड़ी देवी ने भी एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने सीधे तौर पे बिहार की जनता को आगाह किया था कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सतर्क हो, चाहे घर से बाहर विशेष परिस्थिति में ही निकले, अन्यथा आपको भी गोली मार दी जाएगी। अपराध जो है वह काफ़ी चरम पर है। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार है और ऐसे में जब नई सरकार का गठन हुआ है तो नीतीश कुमार के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस बार क्राइम का जो ग्राफ है वह काफ़ी नीचे ले जाया जाए, क्योंकि 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, जब पूर्ण सरकार एक पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी बिहार में नीतीश कुमार की, तो उस वक्त क्राइम को लेकर उनकी छवि काफ़ी अच्छी थी, जिस तरीके से क्राइम को काफ़ी रोका गया था, तो वो छवि फिर से नीतीश कुमार वापस पाना चाहते हैं और ऐसे में आज उन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई है, तमाम अधिकारी मौजूद है। एक बार फिर से आप वो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वह क्राइम के मुद्दे पर, जो सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इन सभी चीज़ों पर, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में या फिर आप बीते कुछ महीनों की बात करें तो घटना जिस तरीके से बढ़ी है, जो आपराधिक घटनाएं हुई है, चोरी हो, डकैती हो, या फिर लूटमार हो, या फिर रेप, या फिर हत्या जैसी मामले खूब बढ़ोतरी हुए हैं, तो इन सभी मामलों को लेकर नीतीश कुमार अब एक बेहतर प्लान बना रहे हैं। क्या कुछ होगा इस बैठक के बाद, क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ निर्णय होता है, क्या कुछ नीतीश कुमार फैसला लेते हैं, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस पर आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।